तो दोस्तों एल्बो पैड जो हैं वो आर्म रेसलिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, और हमारे पास जो एल्बो पैड थे दोस्तों वो हमारी एल्बो में चुभते थे क्योंकि वो रफ थे बहुत ज़्यादा। और दूसरी दिक्कत जो थी दोस्तों वो थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, हमें बहुत बड़े एरिया में एक एल्बो ट्रैक करने की आदत पड़ गई थी क्योंकि उनका साइज़ जो था वो नॉर्मल एल्बो पैड से बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ऑनलाइन दूसरे एल्बो पैड्स मंगाए। तो एल्बो पैड को दोस्तों ऑनलाइन मंगाने के लिए हमने गूगल पे सर्च किया आर्म रेसलिंग टेबल एल्बो पैड्स, और हमें सर्च में बहुत मुश्किल से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमें एक साइट पर एल्बो पैड्स मिले जिनकी कीमत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, 5900 यानी 5900 के करीब, जो 6000 के करीब उनकी कीमत थी वो भी एक सेट की। तो हमने सोचा दोस्तों क्यों ना इसे घर पर बनाया जाए। तो हमारे पुराने एल्बो पैड जो थे दोस्तों उनका साइज़ जो था वो 10 इंचज़ बाई 10 इंचज़ का था और वो एक ऑफिशियल एल्बो पैड से इतना ज़्यादा बड़ा दिखते थे। तो चलिए इनका साइज सही करते हैं। तो एल्बो पैड बनाने के लिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो है आपके लिए उसकी मेजरमेंट, फिर एक हैवी ड्यूटी फॉर्म, और उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का रैक्सिंग कवर उसके ऊपर कवर करने के लिए। तो दोस्तों मेजरमेंट जो है वो आप कहीं भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, 7x7 का जो है उसकी एक मेजरमेंट होती है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम हैवी ड्यूटी फॉर्म की, क्योंकि दोस्तों हम हैवी ड्यूटी फॉर्म जो है हम इसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप नॉर्मल कोई फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे तो वो कुछ ही दिनों बाद प्रेशर के चलते बिल्कुल बारीक हो जाएगा, और अब जब आप इस पर एल्बो रखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एल्बो जो है वो बिल्कुल वुड पर रख रहे हैं, इसलिए हम इसमें एक हैवी ड्यूटी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हैवी ड्यूटी फॉर्म जो है दोस्तों वो आप कहीं भी शॉप से आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कहीं भी वो मिल जाएगा। पर दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इसे जीरो कॉस्ट में बनाकर दिखाएंगे, तो हैवी ड्यूटी फॉर्म का फ्री में इंतजाम करने के लिए दोस्तों हम आपको कुछ रास्ते बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो जो लोग गाय और भैंसे रखते हैं तो उनके नीचे बिछाने के लिए एक मैट रखते हैं जो कि फॉर्म टाइप होता है, तो आप उनसे जो है बात करके उस फॉर्म को ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर आप गांव में नहीं रहते हैं दोस्तों और आप शहर में रहते हैं तो आप अगर जिम में जाते होंगे तो जिम में बहुत सारे मैट जो है बिछे रहते हैं, तो आप जिम के ओनर से बात करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा पीस हो तो वो हमें दे दे। तो इन तरीके से दोस्तों आप हैवी ड्यूटी फॉर्म का इंतजाम जो है वो फ्री में कर सकते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो ये रहे दोस्तों हमारे हैवी ड्यूटी फॉर्म, तो ये आपको काफी बुरी हालत में लग रहे होंगे पर ये कटकर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये इतनी बुरी हालत में इसलिए है दोस्तों क्योंकि गाँव में जब ये गाय भैंसों के नीचे थोड़े बेकार हो जाते हैं या फट जाते हैं तो वो उन्हें फेंक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमें रास्ते या फिर कहीं कचरों से हमने इन्हें इंतजाम कर लिया है इनका, तो इन्हीं का यूज हम करने वाले हैं, तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हैवी ड्यूटी फॉर्म के पीसीस में से एल्बो पैड बनाने के लिए सबसे पहले 7x7 का पॉइंट लीजिए और वहाँ पर 7x7 का एक फिगर जो है वो बना लीजिए और उसमें से 7x7 का एक पीस काट लीजिए। तो अब हो सकता है आपका हथियार हमारे इतना खतरनाक ना हो पर आप ध्यान से काटिएगा, और ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप कम से कम 4 पीसीज उसमें बना लीजिए। और अगर आपके पास भी मटेरियल थोड़ा कम है तो हमारी तरह एक के ऊपर एक रखिए, ख़राब हिस्सों को काटिए और वहाँ पर सही हिस्सा लगा दीजिए इस तरीके से। तो अब बारी है इनका बेस बनाने की। तो बेस के लिए दोस्तों हम ले रहे हैं, आपके पास इतनी पतली कोई प्लाई या फिर लकड़ी का पीस मिल जाएगा जो उसमें से 7x7 का पीस काट लीजिएगा, जिसमें हम बोल्ट लगाएंगे यानी इस तरीके से, जैसा आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से बोल्ट लगाएं जिससे हम लेफ्ट टू राइट का ट्रांजिशन कर सके। तो हम इसमें भी बोल्ट ऐसे ही फिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे पास 2 पीसेस हैं ऐसे, तो अब इनमें होल करते हैं और बोल्ट फिट करते हैं इनकी तरह। तो टेबल में जो होल आपको करने हैं दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन में 4 होल इस तरीके से करने हैं, क्योंकि एल्बो पैड्स में जो बोल्ट होते हैं वो एक साइड में लगे होते हैं जिससे हम उनका लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन आराम से कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों फ्रेम हमारे तैयार हो चुके हैं और हमने इनमें बोल्ट भी फिट कर दिए, और हमने आपको दिखाया था तो जो फॉर्म जो है वो भी हमने तैयार कर लिए हैं, जैसे तैसे करके हमने काट पीट कर जो खराब हिस्से थे उन्हें हमने काट कर सही हिस्से लगा चुके हैं, और जैसे जैसे करके हमने 4 बना लिए और इन चारों में से 2-2 को एक जगह थैनकोल से जोड़ दिया है। आप देख सकते होंगे कि कट पर थैनकोल लगा, तो आप भी ऐसे चिपका कर सही बिल्कुल
सही मोटाई है वो बना सकते हैं। 2 इंच जो है इसकी मोटाई होती है। तो अब बारी है इनको फ्रेम पर फिट करने की। तो उससे पहले अगर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत जहाँ से आपको ये उबड़ा हुआ लग रहा हो उस पर थोड़ी बहुत हम टेप लगा देते हैं ताकि ये आपस में चिपके रहें, जब तक ये फेविकोल सूखे तो तब तक ये आपस में चिपके रहे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों टेप जो है वह चिपक चुकी है अच्छी तरीके से, तो अब ये अच्छी तरह से चिपक कर रहेंगे जब तक फेविकोल सूख नहीं जाता, ऐसा कर लीजिएगा आप भी। तो अब हम इन्हें जो है इन बेस पर चिपका सकते हैं यहाँ पर। तो इनके चिपकाने से पहले दोस्तों ये जो बोल्ट बाहर निकले हुए हैं, या तो आप एक काम करिए, या तो आप इन्हें घिस लीजिए ग्राइंडर से, इन्हें ये थोड़ा पतला बना लीजिए, नहीं तो आप एक काम कीजिए इनके जितनी इनकी जगह है उतनी पैड पर जो है इनके लिए थोड़े से गैजे बना दीजिए ताकि उनके अंदर चले जाएँ और आपका ये जो पैड है ये टेढ़ा ना चिपके, इस पर बिल्कुल सेट हो जाए अच्छे तरीके से। तो इस पर जो हम चिपकाने वाले हैं वो भी फैन को लगा के चिपकाने वाले हैं और उसके बाद हम इस पर कवर कर देंगे। को पता कैसे चलेगा कि आपको ये कहाँ लगाने हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। तो आपको जो है वो थोड़ा तेल लेना है इस तरीके से, उन तेल को थोड़ा थोड़ा अपने बोल्ट पर डालिए। तो जब आप दोस्तों इन पर रखेंगे ऐसे इस तरीके से, तो रखते ही दोस्तों इस पर निशान आ जाएंगे इस तरीके से। तो फिर वहाँ आप पर इन पर गैजे बना सकते हैं, थोड़ा इनसे यहाँ से खाली कर दिए ताकि ये जो बोल्ट है इसके अंदर चले जाए। हमने एक गैजे बना दिए तो अब ये आराम से इसमें आ जाएंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब ये बोल्ट जो है यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब वक्त है इन्हें फोम को इस बेस पर इसके चिपकाने का। तो फोम जो है वो बेस पर चिपक चुके हैं ठीक ठाक तरीके से, और तब तक जो है हम इन पर कवर लगा देते हैं। हो सकता है अभी आपको ये अच्छे ना लग रहे हों, पर इन पर कवर लगने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो कवर के लिए दोस्तों आप एक अच्छी क्वालिटी का वैक्सीन कवर ले सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ताकि एल्बो के जो प्रेशर पड़े वो फटे ना, और अच्छे तरीके से इसको भी होल्ड रखें इसके साथ, तो वो आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इसे जीरो कॉस्ट पे बना के दिखाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास आपके लिए एक जुगाड़ है। दोस्तों वो जुगाड़ है पोस्टर, जी हाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके का पोस्टर। आपको जहाँ भी ये दीवार पर बड़े बड़े आपको पोस्टर दिखते होंगे लगे हुए, तो ये छोटे साइज में भी आता है, तो जहाँ भी आपको ये छोटे साइज में लगा हुआ दिखे चाहे उसे तुरंत उखाड़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो आपके एल्बो पैड बनाने में कवर की जगह काम करने वाला है। तो हमने भी ऐसा ही किया दोस्तों, हमारे घर के बाहर जो कुछ बंदे इसे लगा कर गए थे इस पोस्टर को, तो वो इसे लगा के गए थे और हमने इसे तुरंत उखाड़ लिया, क्योंकि हम बहुत दिनों से जो है ताक में थे कि हमारा मटेरियल पूरा हो जाए इस वीडियो के लिए। तो थैंक्स टू दोज गाइज जो इसे लगा के गए, उनकी वजह से हमारा जो वीडियो के लिए है मटेरियल पूरा हो गया। तो ये जो पोस्टर जो है दोस्तों ये काफ़ी स्मूथ होते हैं, रफ नहीं होते, और इनकी क्वालिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ होती है, इतने अच्छे ये होते हैं कि आपके जो है एल्बो के प्रेशर को आराम से झेल सके। तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं इन पैड्स पर कवर के लिए, इसका इस पर कवर लगाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप एकदम स्मूथ एंड बिल्कुल रेक्टेंगल कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अभी आपको अच्छे नहीं लग रहे पर बाद में कवर लगने के बाद आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंपनी के जैसे बन चुके हैं। तो नीचे हमने थोड़ी टेप टेप लगा दी है, तो जैसा ही हमने वादा किया था दोस्तों तो अच्छी क्वालिटी के हैं ये, अभी काफ़ी लॉन्ग लास्टिक है जैसा कि हमने वादा किया था। जीरो कॉस्ट के साथ हमने सब कुछ आपके लिए बना के दिखाया, तो जाइए अपने घर पर इसे ट्राई कीजिए और फ्री में बनाइए आमरसलिंग एल्बो पैड, वो भी जीरो कॉस्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये पैड अच्छे लगे हों और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों इन्हें बनाने में और वो सब चीज़ें इकट्ठा करने में जैसे बनाने के लिए चाहिए थी, तो एक सब्सक्राइब बनता है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग स्टे स्ट्रॉन्ग, और हम मिलते हैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद